19 जनवरी 2018 आज ही के दिन विंध का सूरज अस्त हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गुरुदेव, जिन्हें पूरा रीवा दादा के नाम से जानता था, उनकी। देखिए रीवा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। 17 सितंबर 1926 को कौशल्या देवी मंगल दिन के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो बड़ा होकर विंध की राजनीति के शिखर तक पहुंचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंडित श्रीनिवास तिवारी की, जिन्हें पूरा विंध कभी सफेद से तो कभी दादा कहता था। बचपन से ही तेज तर्रार इस बालक ने MA LLB करने के बाद रीवा कोर्ट में वकालत प्रारंभ कर दी। इसी दौरान वे समाजवादी नेताओं से जुड़कर राजनीति में आ गए, वहां से कांग्रेस में जा पहुंचे। तिवारी जी कभी मनगवा, कभी त्योथर तो कभी सिरमौर चुनाव लड़ने के लिए जा पहुंचे। उन्होंने राजनीति के सफर में विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का सफर तय किया। श्री तिवारी 24 दिसंबर 1993 से लगातार 10 सालों तक 11 दिसंबर 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। श्री तिवारी का 19 जनवरी 2018 में स्वर्गवास हो गया। श्री तिवारी और अर्जुन देव सिंह के विंध में कई किस्से मशहूर हैं। उन्हीं में से एक है अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में रहते रीवा में संजय गांधी अस्पताल की स्थापना और उसके बाद त्याग पत्र का। अर्जुन सिंह को अपना गुरु मानने वाले दिग्विजय सिंह श्री तिवारी को गुरुदेव कहते थे। वो कहते थे, मैं रीवा जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, जिसे उन्होंने अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में निभाया भी। ऐसे नेता के लिए लिखने पढ़ने को बहुत कुछ है, वह फिर कभी। आज रीवा दर्शन दादा को स्वर्गलोक जाने के एक साल पूरा होने पर विनम्रता से याद करता है। तुम पीछे करो, अगर आप लोग ले चुके हो पीछे हो जाए, आप लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ, मैं